वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं फिर से लेकर आ गई हूँ आप लोग के सामने एक और वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई भी वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊंगी उसका जो नोटिफिकेशन है आपको बहुत जल्दी से मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इसके पहले भी वीडियो शेयर किया हुआ है कि हम मेरे जो माइक्रोवेव का जो माइक्रो मोड है वो काम नहीं कर रहा था, साथ में इसका डोर भी लूज़ हो गया था। तो इसके लिए हमने जो माइक्रोवेव को वर्कशॉप में भेज दिया था, तो अब वो वापस आ गया है माइक्रोवेव हमारा रिपेयर होके। तो अब हम देख लेते हैं कि माइक्रोवेव का जो माइक्रो मोड है वो काम कर रहा है कि नहीं। तो उसके लिए मैंने पानी गर्म करने के लिए यहाँ रख दिया है और माइक्रो मोड ही सेट करूँगी, क्योंकि इसका जो माइक्रो मोड है वो ही नहीं चल रहा था। तो मैं यहाँ पर 900 वाट सेट करके 50 सेकेंड का टाइम सेट कर देती हूँ और फिर देखते हैं कि इसका जो पानी है वो गर्म हो रहा है कि नहीं। साथ में इसकी जो डोर की प्रॉब्लम थी वो थी कि इसका जो डोर है मुझे पुश करना पड़ता था एक दो बार, तब जाके वो लगता था और बीच में कभी भी खुल जाता था। तो वो प्रॉब्लम भी हमने बता दी थी, तो वो भी रिपेयर होके आई है। साथ में आप यहाँ पे देखेंगे माइक्रोवेव का, आप ध्यान से सुनिएगा, जो साउंड है वो भी बहुत कम आ रहा है, क्योंकि जो ना जैसे माइक्रोवेव चलता रहता है पुराना हो जाता है तो माइक्रोवेव में एक प्रकार से साउंड आने लगती है। लेकिन जब ये मैग्नेट्रॉन चेंज हो जाती है ना तो हमारा माइक्रोवेव इतना साउंड नहीं करता, ये वैसे ही चलता है जैसे कि नया माइक्रोवेव आता है उस तरह से ही चलने लगता है। एकदम इसकी जो आवाज़ है वो भी बहुत कम हो जाती है। तो ये चीज़ भी सुधर चुकी है, जो माइक्रोवेव में साउंड आती थी वो प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हो चुकी है। तो मतलब दो प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो चुकी है, एक डोर वाली, क्योंकि मैंने यहाँ पे डोर लगा के देखा एक बार में ही लग गया, साथ में साउंड भी कम हो गया है। अब थर्ड है ये माइक्रोवेव का जो माइक्रो मोड ठीक तरह से काम कर रहा है कि नहीं, तो वो भी हम देख लेते हैं। टाइम हो गया है पूरा, तो अब देख लेते हैं पानी गर्म हुआ है कि नहीं। ये देखिए कांच का बोल तो गर्म हो चुका है और पानी में भाप भी निकल रही है, इसका मतलब है कि जो हमारा माइक्रो मोड है वो भी सही हो चुका है। तो यदि आपके माइक्रोवेव में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि अगर आपका माइक्रोवेव हीटिंग नहीं करता है, सिर्फ माइक्रोवेव का माइक्रो मोड नहीं चलता है, तो आप उसको एक बार अपने हेल्पलाइन नंबर में, कंपनी के हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर दीजिएगा, तो वो मैग्नेट्रॉन चेंज कर देंगे और आपका माइक्रोवेव सुधर जाएगा। पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया है, मतलब इसका जो मोड है माइक्रो मोड सुधर चुका है। तो मेरे माइक्रोवेव की तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है। साथ में मैं आप लोगों को इसको एक बार से पानी साइड में रख देती हूँ और एक बार फिर से मैं इसका जो डोर है वो दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जो उनका डोर होता है वो लूज़ हो जाता है, बीच में खुल जाता है। मेरे संग भी यही प्रॉब्लम हुई थी और मैंने उनको बता दिया था टेक्नीशियन को, तो इसीलिए भी मेरा माइक्रोवेव हमें वर्कशॉप में देना पड़ा। यदि सिर्फ मैग्नेट्रॉन ख़राब होता ना तो वो यहीं पे सुधर जाता घर पे, पर जो डोर की प्रॉब्लम थी वो वर्कशॉप में जाके ही सुधरी है। तो ये देखिए हमारा डोर कितनी अच्छी तरह से लग रहा है, कोई भी मोड में अगर सेट करती हूँ और ऑन करती हूँ तो बहुत जल्दी से हो रहा है, क्योंकि यदि दरवाज़ा इसका जो डोर है अगर थोड़ा सा भी लूज़ होता है ना तो फिर जल्दी जल्दी से कोई भी मोड हम सेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बार बार हमें दरवाजे को पुश करना पड़ता है। और यहाँ ना बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, लूज़ हो गया था ना, तो थोड़ा सा गैप हो गया था, तो वो भी अब गैप नहीं रहा है। तो अब ये सारी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी हैं और अब मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जो मैग्नेट्रॉन है इसमें चेंज हुई है वो, क्योंकि जो मैग्नेट्रॉन वो चेंज करते हैं ना तो पुरानी वाली वो हमें दे देते हैं, तो इस तरह से बॉक्स था, ये नया वाला मैग्नेट्रॉन इसमें आई थी, इसी में उन्होंने हमारे पुराने मैग्नेट्रॉन को रख के दे दिया है और इसी तरह से बॉक्स में आई थी। और अब मैं वो मैग्नेट्रॉन भी दिखा देती हूँ जो हमारी माइक्रोवेव से निकली है। तो इस तरह से कुछ लोग ना मैग्नेट्रॉन को रिपेयर करके भी माइक्रोवेव में इस्तेमाल कर लेते हैं, पर मैं यदि सजेशन दूं तो यदि आपके माइक्रोवेव में ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है कि आपका माइक्रोवेव का माइक्रो मोड नहीं चलता है, हीटिंग नहीं होती है, खाना गर्म नहीं होता है, तो आप उसका जो मैग्नेट्रॉन है ना वो चेंज ही करा लेना बेटर होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ यदि आप इसे रिपेयर करके भी इस्तेमाल करेंगे ना तो हो सकता है उसमें कुछ स्पार्किंग वगैरह हो और वो बाकी आपके माइक्रोवेव के अदर्स पार्ट्स को इफ़ेक्ट कर सकती है। तो आप कोशिश करें कि इसको चेंज ही करा दें। और बहुत से लोगों का कमेंट आया था कि मैग्नेट्रॉन कितने ही आती है, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो ये पहले आप दिखा देती हूँ, ये सारे इसकी लेबलिंग लगी है और जो मैग्नेट्रॉन होती है वो चाइना में बनती है, सिर्फ यहाँ पे लेबलिंग की जाती है। अदर कोई भी यदि आपका ब्रांड का माइक्रोवेव होगा तो भी इसी तरह से मैग्नेट्रॉन लगी होती है, क्योंकि मैग्नेट्रॉन चेंज नहीं होती है, बस कंपनी का लेबल लगा देते हैं। तो अब यहाँ पीछे दिखा देती हूँ, यहाँ पर ही सब कुछ लिखा हुआ है कि इसमें ये मैग्नेट्रॉन कितने की है और साथ में हमें सर्विस चार्ज कितना पे करना पड़ा, मतलब वहाँ पे जब वर्कशॉप में उन्होंने यहीं पे पीछे लिख के दे दिया था। तो ये ऊपर है जो 2113 रुपये, 2113 रुपीज़ ये मैग्नेट्रॉन का प्राइस है इसका, और उसके जो नीचे लिखा हुआ है वो सर्विस चार्ज है 354 रुपीज़। तो ये टोटल हमें 2467 रुपीज़ पड़ा है पूरा हमको, मतलब पूरा इसका जो चार्ज है इतना पड़ा है हमको।
मैग्नेट्रॉन बेथ इसकी सर्विस चार्ज सब मिला के। तो जिनका भी क्वेश्चन था कि मैग्नेट्रॉन कितने की है, तो ऊपर उसका प्राइस लिखा हुआ है और साथ में ये सर्विस चार्ज लिखी हुई है। तो ये था हमारे माइक्रोवेव का एक छोटा सा वीडियो। यदि आप लोग को अगर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और यदि आप लोगों को ऐसे किसी को जानते हैं जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप उनको ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और यदि आप चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और यदि कुछ भी और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि हम वीडियो आप लोगों के लिए बनाते हैं, आपके कमेंट पढ़ना अच्छा लगता है। तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी करिए, और कुछ वीडियो का यदि आप लोगों को डिमांड है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।